तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता ही है कि 80% तक कोरोना मरीजों का इलाज जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही होता है, लेकिन कभी ना कभी हमारे मन में एक बात ज़रूर आती है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इसका इलाज करवाया जाए तो इसका क्या खर्चा आएगा। क्योंकि गाइज जिस तरह से हम सुनते आ रहे हैं कि यार वहाँ फैसिलिटीज़ की कमी है या कुछ, जबकि ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। बट हमें ऐसा लगता है अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हम प्राइवेट अगर हॉस्पिटल हम प्रेफर करते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़, तो वहाँ क्या खर्चा रहेगा। तो आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे कि एक कोरोना मरीज़ को सही होने में कितना खर्चा आता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। रिपोर्ट पे बताया गया कि खर्चा जो डिपेंड करता है वो करता है कि आपको कोरोना संक्रमण कितना है। अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है कोरोना इलाज के लिए और आपके साथ किसी प्रकार को वेंटिलेशन पे नहीं रखा गया, आपके कुछ जीवन रक्षण उपकरण नहीं लगे हुए जो आपके जिस तरह से आईसीयू में लगाए जाते हैं उस तरह से नहीं लगे हुए हैं, तो आपका हर रोज का जो खर्चा रहेगा वो रहेगा 20 से 25 हज़ार रुपये रोजाने का। इस हिसाब से 14 दिन तक कम से कम इसमें रखा जाता है, तो 14 दिन के बन गए 2.5 लाख रुपये। और 2.5 लाख रुपये के अंदर आप ऐड कर दीजिए जो टेस्ट होंगे। एक कोरोना पॉजिटिव का सही होने तक 3 से 5 बार टोटल टेस्ट करने के बाद उसको डिस्चार्ज किया जाता है। तो अगर हम 5 टेस्ट की भी लगा लें, अपने टेस्ट करें, उनके आपके बन गए 22,500 रुपये। और अगर आपको वेंटिलेशन पे रखा जाता तो इसका 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा रोजाना का और बढ़ जाएगा। इस हिसाब से कोरोना पॉजिटिव एक इंसान का सही होने में 9 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज ना हो तो इससे ज़्यादा जनता इस इलाज को लेने में असमर्थता ही जताएगी। तो गाइज अपने घर पे रहें, सेफ रहें, अपने आसपास के लोगों का, अपने प्रियजनों का भी खास ध्यान रखें ताकि वो भी इस बीमारी से बचे रहें। थैंक यू गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।